तो पाकिस्तान में जो लानतें देख रहे हैं आप टीवी पर, जो हमारे सियासतदानों में चल रही हैं, वो लानतें ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत फरमाई, और तो हमारे पीछे कम अज़ कम हमारी हुकूमत खड़ी होगी, बहुत अच्छा लगा। तो तारिक टैरिक वाला मगफरत फरमाए। यकीनन आजकल स्टैंडर्ड जो है स्टैंड अप कॉमेडी का, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तारिक टैडी का एक बहुत बड़ा नाम था उसमें। मैं हूँ आपका मेज़बान इत्तेज़ाज़ भट्ट, और आप देख रहे हैं आप मुझ से। सर जी, आप लेजेंड हैं जनाब से, आप एक पूरी यूनिवर्सिटी हैं। सर टैडी साहब एक लेजेंड कॉमेडियन थे, आज उस दुनिया में नहीं रहे, तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा लॉस हमारी इंडस्ट्री में? मगर बहरहाल टैडी साहब के बारे में तो ज़ाहिर यही कहेंगे कि अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, स्टेज पर जो स्टैंड अप कॉमेडी के वो काम करते रहे हैं, सबको पता है किस तरह और कैसा करते रहे। यकीनन आजकल स्टैंडर्ड जो है स्टैंड अप कॉमेडी का, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तारिक टैडी का एक बहुत बड़ा नाम था उसमें, आज के थिएटर में। और यकीनन एक खला है जो उनकी वजह से आज के जो थिएटर हैं खुसूसन लाहौर के, उसमें एक खला हुआ है पैदा फनकारों में। बहुत ही अफसोसनाक हादसा है ये हमारे लिए, एक हमारा फनकार इस तरह चला गया। तो इस वक्त मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा हुकूमत का, जिन्होंने तारिक टैडी को आर्टिस्ट तस्लीम करते हुए उनके लिए एहतियात भी दिए, उनके इलाज मालजे के लिए भी उन्होंने आगे बढ़कर पूरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। बहुत 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 शुक्रिया है हुकूमत का, खुसूसन परवेज़ इलाही साहब का, कल्चर मिनिस्टर का, कल्चर सेक्रेटरी का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत फरमाई। और लगता है कि हम फनकार जब मरेंगे तो हमारे पीछे कम अज़ कम हमारी हुकूमत खड़ी होगी, बहुत अच्छा लगा। तो तारिक टैडी को अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक लास्ट, सर आपको नहीं क्या लगता आर्टिस्ट की अपने कम्युनिटी होनी चाहिए, जिससे तमाम आर्टिस्ट जो हैं अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है सपोर्ट करें, और एट द एंड जो है बाकी जो आर्टिस्ट के काम भी है? बेटा होना चाहिए, पाकिस्तान में आप बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में जो लानतें देख रहे हैं आप टीवी पर, जो हमारे सियासतदानों में चल रही हैं, वो लानतें ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।